राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी संभव है राजनीति में। कभी आप देखते हैं कि बाप दुश्मन बन जाता है, दुश्मन बाप बन जाता है। आप देखते रहते हैं गठबंधन की सरकारों में। आप लोगों ने यूपी में कुछ दिन पहले देखा होगा कि मायावती और अखिलेश एक हो गए, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एमपी में आपके महाराज जी सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए, जो कल तक गाली देते थे। एक समय आप देखते थे कि नीतीश साहब मोदी साहब को इतनी गालियां देते थे, वो भी एक समय आया तो बीजेपी में शामिल, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए। तो ये मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की उठापटक चलती रहती है। जनता के वोट का मुझे लगता है वोट देने तक ही कीमत है, उसके बाद कोई कीमत नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, ये सब उन्हीं पर निर्भर रहता है। अगर आपको अवसर का फायदा उठाना या मौका का फायदा उठाना सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखना, बिहार के जो अभी सीएम है उनसे सीखना। क्योंकि आप देखते हैं कि पार्टी कितनी भी सीटें लाए लेकिन सीएम यही बनेंगी। तो अब देखिए 2020 में चुनाव है लास्ट में, तो अब फिर से चर्चा में है, तो किसी ने बताया कि इनके बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग नीतीश कुमार के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कुछ बिहार के बारे में भी जानेंगे और कुछ और इनके बारे में इंटरेस्ट पॉइंट बताऊंगा कि ये कितने महान हैं। देखिए इनकी ये पिक्चर्स दिख रही है आपको, ये है पिक्चर्स। इनके नाम की बात करूं तो इन्हें नीतीश कुमार इनका नाम है, इन्हें सुशासन बाबू भी कहते हैं और मुन्ना भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से आप निकनेम इनके कह सकते हैं, सुशासन बाबू और मुन्ना। इनके अगर आप जन्मदिन की बात करें तो 1 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था, 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार भारत में हुआ था। बख्तियारपुर भारत में इनका जन्म हुआ था, बिहार में, बिहार का एक क्षेत्र है बख्तियारपुर, ठीक है। इनकी राशि अगर आप जानना चाहें तो मीन हो गए, और सिटीजनशिप भारतीय, गृहनगर बिहार। शिक्षा की बात करूं तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियर है नीतीश बाबू, आपके इंजीनियर साहब हैं, समझ रहे हैं। धर्म से ये हिंदू हैं, और अगर कास्ट की तो अनुसूचित जनजाति है, क्योंकि हमारे भारत में आप देखते हैं कि कास्ट बहुत बड़ा मायना रखता है। अभी जापान में आप जाइए तो जापानी शब्द सुनेंगे कि वो व्यक्ति जापान का है, जापानी है। चाइना में जाइए चाइनीज सुनेंगे, आप लोग अमेरिका में जाइए अमेरिकी सुनेंगे, लेकिन भारत में सुनेंगे वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो एसटी है, वो एसटी है, वो पंडित है, वो यादव है, वो ठाकुर है, इस तरह से, मतलब आप सोचिए। और याद रखिए यही सब पॉइंट है जो भारत को पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि जब एकता ही नहीं रहेगी तो कहाँ से भारत आगे जा पाएगा। अभी कुछ दिन पहले जापान के राष्ट्र प्रमुख का एक वक्तव्य सुन रहा था मैं। देखिए आप जानते हैं 1945 में जापान में परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा, उसके बाद निकलना उसी स्थिति से एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जाके विकसित देशों की सूची में शामिल होना ये और बड़ी बात हो जाती है। भोपाल में आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, आप समझ सकते हैं कि अभी तक वहां इफेक्ट देखा जाता है उसका। हम लोग एक छोटी सी दुर्घटना से नहीं निकल पाए हैं, और जापान परमाणु बम का हमला झेलने के बाद भी निकल आया। तो वहां मैंने सुना है कि वो मानव संसाधन की बात कर रहे थे और अपनी एकता की बात कर रहे थे, कि हमारे देश में जो एकता है अपने अंदर वो हमारे देश को निकाली है, और वही हमें विकसित देशों की सूची में जा खड़ा कर दिए। हमारे यहाँ कास्ट के नाम पर वोट पड़ते रहते हैं। अभी बिहार का चुनाव है, देखिए थोड़ी बात हो जानी चाहिए, क्या है याद बना रहता है, ठीक है। अभी बिहार का चुनाव है, उसमें देख रहा हूं कि अब एक मुद्दा उठा दिया, बिहार फर्स्ट। आप सोचिए 1947 के बाद से अभी तक बिहार में कुछ प्रगति नहीं हुई, जो बिहार फर्स्ट बनाने की बात की जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही तो आपकी सरकारें रही हैं सबकी, देखिए कोई भी कांग्रेस बीजेपी या इनकी जेडीयू,
या फिर आरजेडी, सब की रही है, कोई नहीं रहा है। पर अभी आपने देखा है कोरोना महामारी में हॉस्पिटलों की स्थिति आपने देखी है, बाढ़ की आप स्थिति देखते हैं, आप जानते हैं गरीबी की स्थिति आप देखते हैं, शिक्षा की स्थिति देखते हैं। अगर आपसे मैं इतना कहता हूं कि अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपसे अगर पूछा जाए किसी भी खराब स्थिति के मामले में तो आप बिहार टिक लगा सकते हैं, इतना है, दुनिया जग जाहिर है बिहार की स्थिति। और आप सोचिए कि मतलब फेंकते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने अपनी पूरी दम लगा दी थी और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी दम, सब पार्टियों ने पूरी दम, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उसने काम किया था। शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है, उसमें देखिए आप लोग की प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूलों ने, समझ रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए आप लोग, हर क्षेत्र में आप देखिए कि उसने काम किया है। और नीतीश बाबू अभी प्रचार करने के लिए गए थे एनडीए की तरफ से बिहार में, तो उसमें मैं देख रहा था कि कह रहे थे कभी बिहार में आइए स्कूलों की स्थिति देखिए। यार आप ही सोचिए, इन्हें झूठ बोलते वक्त भी शर्म नहीं आती है, आप समझ रहे हैं, मतलब आप सोचिए जमीन आसमान का फर्क है दिल्ली और बिहार की स्कूलों में। और आप कहते हैं कि दिल्ली में आइए, बिहार में आइए, दिल्ली लोगों, आप सोचिए अगर दम है तो आप उसकी तरह चुनाव लड़िए ना, आप भी बिहार फर्स्ट ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। आप कहिए देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में तो पहली बार ऐसा सीएम देखा है कि अरविंद केजरीवाल सीधी सीधा कहता था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए और नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत दीजिए, ऐसा शब्द यूज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके प्रधानमंत्री साहब भी नहीं ऐसी यूज करते हैं शब्द कि हमें वोट तभी दीजिए जब काम किया हो हमने। और देखिए, याद रखिए, प्रधानमंत्री साहब को इतनी सीटें दोबारा दी गई हैं, तो ठीक है उनके काम बहुत अच्छे रहे हैं, मैं तो जनधन खाते योजना की बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा काम किया है, स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा, उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप सोचिए कि विपक्ष के कमजोर होने का भुगतान कौन कर रहा है, जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत रहता है तो चुनाव कायदे से होते हैं, समझ रहे हैं, और थोड़ा डर भी रहता है सामने वाली पार्टी में। अब आप देख रहे हैं विपक्ष पूरी तरह अपनी मौत मर चुका है। नीतीश बाबू की अगर हम लोग पिताजी की बात करें तो कविराज राम लखन सिंह है, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं एक तरह से इनका, और ये राजवीर भी रहे हैं, ठीक है। इनकी माता का परमेश्वरी देवी और पत्नी मंजू कुमारी सिंह और बेटे का नाम निशांत कुमार, ठीक है। अगर इनके स्कूल विद्यालय की बात करें तो श्री गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर पटना से इन्होंने पढ़ाई की थी। महाविद्यालय की अगर बात करें हम लोग विश्वविद्यालय की, तो बिहार कॉलेज ऑफ अभियांत्रिकी पटना साइंस कॉलेज भारत से इन्होंने पढ़ाई की। स्नातक विद्युत अभियांत्रिकी बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की। अब अगर हम लोग राजनीतिक सफर की इनकी बात करूं, ये तो हो गया इनका अपना एक पारिवारिक जीवन, पढ़ाई लिखाई अपनी जिंदगी, राजनीति में कहां से शुरू हुए तो आप देखेंगे 1971 में जब राम मनोहर लोहिया की युवा शाखा समाजवादी युवा जनसभा के सदस्य बने, तो 1971 से ये राजनीति में प्रवेश करना शुरू किया इन्होंने। तो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया की युवा शाखा समाजवादी युवा जनसभा के सदस्य बने। 1974 में जेपी आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। याद रखिए, जेपी आंदोलन से बहुत नेता उभर के आए, लालू प्रसाद को ले लीजिए, फिर चाहे आपका इन्हें ले लीजिए नीतीश कुमार को, समझ रहे हैं, ये उसी समय के हैं सभी नेता, बिहार के जो भी नेता उभरे। फिर आप देखेंगे 1975 में आपातकाल लगी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी के समय की, कि 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगाया गया, सबसे बुरी देश यानी कि काला दिन भी कहते हैं उन काले दिनों को, समझ रहे हैं, संविधान का काला अध्याय भी कह देते हैं आप लोग, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन फिर उनकी स्थिति उस 2 साल के कारण उन्हें आज भी अब धब्बा लगा हुआ है उनके ऊपर, समझ रहे हैं। और उसी के कारण आपने देखा है कि जेपी आंदोलन ने उन्हें कितनी बुरी तरह से परास्त कर दिया, एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो ये जनता जागती है लेकिन टाइम लगता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब बिहार की स्थिति देख लीजिए, बिहार में कोई विपक्ष ऐसा नहीं है जो काम की बात कर सके,
बना मुश्किल पड़ जाता। ठीक है, तो जनता आप देखिए वही सोचती है कि सब चोर से मतलब सब चोर हैं, उनमें से जनता क्या देखती है कि कम चोर कौन है, उसे ही वोट दे देते हैं। फिर आता है 1975 की बात करूं तो आपातकाल के समय भी इनकी गिरफ्तारी हुई। फिर आता है 1985 में बिहार विधानसभा सदस्य बने, बिहार विधानसभा के सदस्य बने यानी कि विधायक बन गए, एमएलए बन गए। 1989 का समय आता है, बिहार में जनता दल के महासचिव नियुक्त किए गए और साथ ही पहली पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुने गए। जनता दल आप समझिए कि बीजेपी का ही एक तरह से आप कहिए पूर्ण पहले का रूप है। 1990 में केंद्रीय कृषि और सहयोग राज्य मंत्री बने 1990। 1999 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। इनकी सफर को देखिए आप लोग, कितना मतलब अवसर मिला है इन्हें पूरा। कभी आप एक तरह से या तो इनकी रणनीति कह लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं। फिर आता है 2000 का, सन 2000। 2000 में वह केंद्रीय कृषि मंत्री बने, वह पहली बार केवल 8 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने क्योंकि वह बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। सन 2000 की बात है। 2001 में वह केंद्रीय रेल मंत्री बने 2001 में। फिर 2005 में उन्होंने भाजपा के समर्थन से दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आप समझ रहे हैं कि भाजपा का सहयोग यहाँ 2005 में उन्हें मिला। फिर आइए आप लोग 2010 में, तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। फिर 2014 का समय आता है और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने में ये खुश नहीं थे। कभी तो ये सोचते थे कि हमें खुद बनाया जाए, ये खुद इस लाइन में खड़े होना चाह रहे थे। तो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने पर उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा 2014 में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री की बहुत लहर थी और आप जो जानिए कि बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा था नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, समझ रहे हैं? जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 2015 में इसी वर्ष उन्हें बिहार के पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी और वह गठबंधन सरकार थी जिसे लोकप्रिय रूप से महागठबंधन कहा जाता था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल संयुक्त पार्टियां शामिल थी। 2017 में उन्होंने महागठबंधन तोड़ दिया और 27 जुलाई 2017 को भाजपा के समर्थन से बिहार के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। यानी कि आप कहिए कि इन्हें कोई वो एक आया गया राम, गया राम नाम सुना होगा आपने, कि उन्होंने एक दिन में पार्टियां तीन चार चार पार्टियां बदल दी, समझ रहे हैं? इस तरह के लोग भी हमारे देश में देखने को आपको मिलेंगे। तो आप सोचिए, पहले बीजेपी के सहयोग से, फिर किसी कांग्रेस और जनता दल के सहयोग से, फिर आप देखेंगे किसी और के दल से, फिर और किसी से, ये मतलब आप सोचिए मुख्यमंत्री हर हाल में बनना चाहते हैं, फिर चाहे किसी का भी इन्हें समर्थन लेने की जरूरत क्यों ना पड़ जाए, समझ रहे हैं? तो ये इनकी अभी तक की यात्रा है। अब देखिए 2020 में जनता क्या देती है, वो आप लोगों के सामने रहेगा। ठीक है, विवाद भी इनकी कुछ। एनडीए द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा के बाद 2014 आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, समझ रहे हैं? मुझे तो एक समझ में नहीं आता है कि जैसे आज आप मुझे गाली दे रहे हैं या आपने किसी अपनों किसी को गाली दी, कल उससे मिलेंगे तो शर्म नहीं आती होगी कि चलिए हम कल गाली दे रहे थे आपको, आप फिर हाथ मिलाने लगते हैं। सोचिए मतलब कितना गिर सकता है नेता। इसमें मुझे नहीं लगता है कि जमीर अपने सम्मान की कोई या आत्मसम्मान की कोई बात रहती हो नेताओं में। आज इससे, आज दूसरे से, फिर परसों उससे, मतलब इनका, अब इनकी तुलना आप खुद मन से करिए कि किस जैसी है, क्योंकि मुझे अपने मुंह से भी सब दो शब्द को यूज करना मतलब एक तरह से खराब है। आज तो मुझे लगता है कि ऊपर बैठ के गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी बात करते होंगे, कहते होंगे कि किन के लिए सालों के लिए मैं मर गया, शहीद हो गए, पता मतलब कि मैंने खुद मतलब जिन्होंने ना कुछ देखा,
छोटी छोटी उम्र में शहीद हो गए देश के लिए, आज वो देश को कहाँ गड्ढे में ले जा रहे हैं। बिहार की स्थिति तुम्हें देखिए, बिहार में तुम्हें इतना समय मिला हुआ है, 6 बार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बन गए, और पहले से आप लोग 1975 के करीब से, 74 से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है राजनीति की। आज तक तुम बिहार की स्थिति की छोड़िए, शिक्षा की स्थिति नहीं सुधार पाए, समझ रहे हैं? हकीकत यह है, 5 साल में दिल्ली का हाल देखिए आप लोग, कितना बेहतर शिक्षा हो चुकी है। मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं काम की तारीफ जरूर करूंगा, समझ रहे हैं? आप सोचिए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी सांसद चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, गली गली, हमारे होम मिनिस्टर साहब आपने देखा है, गली गली भटक रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इतनी बेवकूफ जनता नहीं है। देखिए, बिहार या उत्तर भारत कहीं की हो सकती है कि वो वोट के नाम पर या जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर, अंधभक्ति के नाम पर वोट दे, लेकिन जो पढ़ा लिखा रहता है वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए, वो दूर दूर तक की सोच कर बात करता है, समझ रहे हैं? और सबसे शर्म, मुझे नहीं लगता है कि इनमें शर्म कुछ होती है, क्योंकि दिल्ली के जब मैंने भाषण सुना, किसी ने मुझे बताया कि देखिए क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि मतलब देखा जाए तो मुझे भी अपने आप में लगा कि बताइए, मतलब शर्म कुछ है ही नहीं कि वही जमीन की आसमान से आप तुलना कर रहे हैं। 2015 में लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ गठबंधन से बिहार चुनाव में आलोचना में रहे थे। बिहार चुनाव के दौरान एक तांत्रिक से मिलने की वीडियो वायरल होने पर भी वह विवादों में रहे। 2010 में उनके द्वारा उत्पादक मंत्री जमशेद अशरफ को बर्खास्त करने के बाद अशरफ ने उन पर आरोप लगाया कि वह शराब पर करों की चोरी में शामिल है, जिसके कारण 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर विवादास्पद टिप्पणियां की थी, और आज आप देखेंगे कि ये दोनों एक हो गए। राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पर उन्होंने 24 घंटे में बिहार में सरकार बनाई और भाजपा का समर्थन किया। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं तो लॉकडाउन के, देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब अच्छे वक्ता हैं, अच्छे मतलब भाषण देते हैं, लेकिन आप सोचिए जिस हिसाब से उन्हें हम लोगों ने चुना है, वोट दिया है, मैं आज से नहीं, मैं देखिए मन की बात उनकी जब से शुरू हुई थी तब से सुन रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनके हमने जब भाषण सुनते थे तो मैं भी अपने मतलब ये कहिए कि बहुत बड़ा एक तरह से उनका सपोर्टर रहा हूँ, एक तरह से उनका मतलब आप सोचिए, मेरे दिमाग में मुझे लगा था कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो देश की स्थिति बदल देगा, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति ने मेरा मतलब मुझे पूरी तरह से ला के रख दिया है। कहा जाता था कि देखिए कि वो गरीबों के लिए, जब भी प्रधानमंत्री साहब बोलते थे गरीबों को लेकर जरूर आते थे, कि मेरी इच्छा है कि वो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे, इस तरह के भाषण आप लोगों ने सुने होंगे, मैं गरीब का बेटा हूँ, लेकिन लॉकडाउन में गरीबी को उसको फील नहीं किया किसी भी नेता ने। आपने देखिए, आपका विधायक भी देखिए, आपका कोई भी सीएम देखिए, रोड पर जनता मरती रही, पिसती रही, लाचार होती रही, कोई रोड पर आपको किसी की मदद करने के लिए नहीं आया। इतिहास में मुझे लगता है कि वो तस्वीर कभी मैं अपनी जिंदगी में तो नहीं भूल पाऊंगा, एक महिला अपने बच्चे को जन्म दे दी है रोड पर, फिर उठकर चलने लगती है। आप उसकी जगह सोचिए कि एक महिला का, कहते हैं कि बच्चे को जन्म देना एक महिला के लिए दोबारा जन्म होता है, इतनी पीड़ा होती है उसे, असहनीय पीड़ा होती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, फिर भी वो दोबारा उठ चलने लगती है। ये स्थिति मुझे तो लगता है कि अंदर तक हिला के रख दिया था, और जिसे लगता है कि ये गलत है, कई लोग, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर, वैसे मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, इसीलिए देख लेता हूँ कभी कभी कुछ अगर देखना है तो, देख रहा था कि लिख रहे थे कि वो महिला पे कई कमेंट कर रहे थे लोग, कई साले वो क्या कर रहे थे कि कई इनके बारे में बेवकूफ हैं कई लोग, वो आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रेन के नीचे आके सो गए थे, मतलब उसके नीचे मर चुके थे, तो उन पर भी कई लोग कह रहे थे कि क्यों पटरी पर मरने गए, रेलवे के नीचे कहीं और मर जाते, ऐसा वैसा। और आप सोचिए कि आप एसी कूलर की हवा लेकर, आप पंखे की हवा लेकर आप उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। अपनी माँ को, अपनी मैं माँ, सबकी माँ का सपोर्ट करता हूँ भाई, इज्जत करता,
लेकिन कभी अपनी माँ को उसकी जगह रख के देखिए, अपने अपने घर की किसी महिला को उसकी जन्म जगह रख के देखिए, फिर आपको मालूम चलेगा कि कितना दर्द होता है, कितना अंदर तक झकझोर देती है वो तस्वीर। कई लोग किसानों के बारे में कहने लगते हैं कि वो अपने कर्मों से गरीब, ठीक है उनका अलग बात है, कभी कभी अपने बाप को उस किसान सुसाइड कर रहा है उसकी जगह रख के देखिए कि परिवार पर क्या बीतती है, पूरा परिवार क्या होता है। कभी आप सेना में कोई जवान शहीद होता है तो उसकी जगह वही कमाने वाला होता है, उसकी जगह आप देखिए अपने परिवार के मेंबर को रख के। क्या है कि हमें वो कहावत है कि हमें दूसरे के दुख बस क्या लगते हैं, तमाशा लगता है, जब खुद पर बीतते ही तब पता चलता है कि आखिर ये भी दुख है। तो कमेंट सोच समझ के दिया करिएगा, पढ़े लिखे लोगों की तरह दिया करिएगा, और भगवान से डरा करिए, नीचे वालों से मत डरो। मैं ये कभी नहीं बोला कि नीचे वालों से डरो, ऊपर वाले से डरिए, इंसानियत रखिए। उस महिला की मुझे मतलब जब मैं पढ़ रहा था कमेंट फेसबुक पर, तो मुझे खुद अंदर तक मतलब इतने भी आप सोचे कि हैवान लोग हो सकते हैं। एक आप देखते हैं कि एक बेटी 14-15 साल की बेटी दिल्ली से, आपका दिल्ली नोएडा से, अपने बाप को साइकिल पर बैठा कर बिहार पहुंच जाती है, बीच में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है, बिहार में जाकर जब खबर आती है तब उसकी मदद के लिए मंत्री आते हैं, विधायक आ जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब, सबको ऐलान करता है, बीच में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। अभी कहीं और आपने देखा है लॉकडाउन में बहुत बुरी स्थिति देखी है, एक परिवार की मतलब पति पत्नी सुसाइड कर लेते, उसके उनके 5 बच्चे थे, खाना घर में नहीं था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, बच्चों को भूखे भूखा कोई नहीं देख सकता है। आप भी अगर कभी होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चों की आंखों में आंसू कभी नहीं देख पाएंगे, देख सकते हैं, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद विधायक जी जाते हैं और फिर फोटो खिंचवाते हैं। अरे भाई आप ही सोचिए, अगर उनकी मदद करने के लिए आप पहले पहुंच जाते हैं तो मुझे लग नहीं लगता है कि ये स्थिति देखने को मिलती। देखिए बिहार में बिहार जनता उसके लिए जिम्मेदार है, गरीबी के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, लेकिन नेताओं का भी एक फर्ज होता है, नेताओं का भी एक कर्तव्य होता है। आज से सोचिए अगर आप घर भरने की बात होती तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे आप सोचिए कि सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, समझ रहे हैं ये लोग क्यों अपनी जान देते, क्यों शहीद होते, इन्हें क्या लेना देना था। तो तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है, आपसे वही तो कहता हूं कि आपसे कोई रिश्ता बना रहा है, ठीक है आपका अपना है या नहीं, दूसरा कहीं उससे आपका खून का रिश्ता है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मैं तो कहता हूं आप पर अगर कोई आंख बंद करके भरोसा कर रहा है तो आपको उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए, फिर चाहे कोई भी समस्या हो, आंख बंद करके अगर वो भरोसा कर रहा है तो आपको, मुझे तो नहीं लगता है, जिंदा जीते जी उसके भरोसे को तोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसके भरोसे को तोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि आपने कोई महान काम नहीं किया, आपसे घटिया या हमसे घटिया, ऐसा काम करने वाले से घटिया कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, गिरा हुआ कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। तो मतलब ठीक है, जनता आपको चुन रही है, अब जनता क्या करे, आप वादे कर देते हैं, भोली भाली है तो आपको वोट दे देती है, आपकी तो कर्तव्य बनता है कम से कम कि आप करिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ वो, ठीक है। फिर भी इन्हें कुछ अवार्ड भी मिला मिले हुए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, पूछ लेगा बिहार एग्जाम में कई बार कई जगह। तो एनडीटीवी भारतवर्ष राजनीति, ये राजनीति में इन्हें मिला था 2010 में। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2010 में। फोर्ब्स भारत का व्यक्तित्व वर्ष ये 2010 में। MSN इंडिया ऑफ द ईयर इन्हें 2010 में। जेपी मेमोरियल पुरस्कार 2013 में, जेपी मेमोरियल पुरस्कार 2013 में, ठीक है। तो ये था इनका नीतीश कुमार के बारे में। अब आप क्या सोचते हैं, आप बता सकते हैं इनकी जो भी कमियां, जो भी अच्छाई हैं, आप लोग अगर बिहार से कोई तो आप बता सकते हैं कि कितना अच्छा काम किया, क्या किया है उन्होंने। अब आपको मैप पर ले चलता हूं, बता देता हूं कि आखिर कहाँ है बिहार। देखिए ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और आप लोग देखेंगे तो बिहार ये है आपका बिहार, ठीक है। इसकी राजधानी आपको पटना में देखने को मिलेगी, और
इसके गठन की बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, राज्य बना। वैसे बिहार का इतिहास बहुत पुराना है, गया बिहार आप ये सुनते रहते हैं, ठीक है, तो ये अलग बात है। अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद भी है यहाँ और विधानसभा भी है, तो याद रखिए विधान परिषद में यहाँ 75 सीटें देखने को मिलेगी और विधानसभा में आपको 243 सीटें मिलेगी। कितनी? 243 सीटें बिहार में आपको देखने को मिलेगी। तो राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 40 सीटें हैं, विधान परिषद में 75, विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40। आप समझिए 40 सीटें बहुत होती हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, जो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहता है जिस भी पार्टी का, वो बिहार पर, उत्तर प्रदेश पर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों पर सबसे ज्यादा सीटें यही हैं, इसलिए इन्हीं पर जोर ज्यादा दिया जाता है। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से। और अगर राज्यों की सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल से भी, झारखंड से भी। किससे? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ये आपका झारखंड, ये उत्तर प्रदेश और ये आपका पश्चिम बंगाल, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है, ठीक है। यही थे कुछ पॉइंट आपके, और बाकी आप लोग देखते रहिए आपका, ठीक है, जो भी है आप लोगों का। मुझे तो लगता है देखिए आप लोगों को वोट उसे देना चाहिए जो आपके लिए काम करे, फिर चाहे आपका स्थानीय नेता कोई भी, क्योंकि देखिए केंद्र में सरकार किसी की भी बैठी हो और या राज्य में किसी की सरकार बैठी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका विधायक या आपका सरपंच या आपका लोकसभा सदस्य, अगर वो आपके लिए सोचता है तो वो हर हर संभव लड़ेगा आपकी हक की लड़ाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका वही काम कर पाएगा, उसी को आते हैं वोट जो केंद्र में सरकार हो, ऐसा नहीं है। आपका जो काम आता हो, आपके साथ रहता हो, हर पल आपकी मतलब सेवा करता हो, तो उसी को आप लोग चुना करिएगा, ठीक है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो फिर वो। चलिए तो ये है नीतीश कुमार की कहानी हो चुकी है, और भी आपको लगता है किसी और की कवर करनी है तो वैसे अपने हिसाब से मैं करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी और के बारे में आपको बहुत जल्दी जानना चाहिए, तो उनके बारे में बताइए, हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है।